बताओ भाई पर लिमा टंगो कंडीशन कैसा है लड़की का ओवर अब वो नाक से बहुत खून बह रहा है लिमा टंगो लड़की का इलाज करा के वजू मिशन का वुमेन हॉस्टल में ड्रॉप कर दो और वुमेन कमीशन वाला लोग को इन्फॉर्म कर दो रोजर दैट अबे नमी को बुला नमी हाँ चलो वुमेन कमीशन ऑफिस जाना है तुमको मैडम बुला रहे आप अच्छा आप है ना नोमी कल पुलिस स्टेशन से कॉल आया था हाँ मैडम क्या कारण से काटा होगा आप बोल सकेगा हम अपना बस्ती से आया था वो जो मिशन स्कूल में अपना बेटी को मिलने के लिए तो यह ना काम को रास्ता में देखे पीछे क्या हुआ हम अपना दोस्त का घर में था वो अचानक से वहाँ से आके आपको तो पक्का रद्दी करने आया ना इटानगर में बोल के आपको ठीक से मारा मेरा नाक भी काट दिया आप क्या उसका अगेंस्ट में केस देगा हाँ बेटा आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना होगा जहाँ पे आप शुरू से आपका साथ क्या हुआ कैसा हुआ कब से प्रॉब्लम हुआ आपको वो लिखना होगा एंड यहाँ सबमिट करना होगा तो हम लोग एक हेयरिंग डेट फिक्स करेगा इसके बाद आपका केस को आगे हम लोग बढ़ाएगा तो आप पढ़ा लिखा है नहीं हम नहीं पढ़े ठीक है तो हम आपके लिए एक कंप्लेन लेटर लिख देते हैं आप शुरू से अपना डिटेल बताइए कैसा कैसा आपको शादी करवाया कैसा हुआ ना तो आप कैसा आपका साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ आप बताइए हम लिखते हैं मैडम केस के लिए कितना पैसा लगेगा ना नहीं नहीं उसमें पैसा नहीं लगेगा ये आप जैसे जो विक्टिम है ना उन लोगों का सहायता के लिए ये कमीशन है किसी को भी आप यहाँ पे पैसा मत दीजिए आप बताइए आपका साथ क्या हुआ मेरा माँ को बताया था कि हम जब 3 साल का था ना तब मेरा पिताजी बीमार हो गया था उसका लिए पैसा जरूरी हो गया था क्या हो गया आपको क्या दर्द हो गया पेट आपको ज्यादा हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है बोलने से चलो डॉक्टर सर को दिखाने जाएगा आप कपड़ा चेंज कर लो ना हम बच्चा को सुला के आएगा क्या हुआ सर मेरा पेट बहुत दर्द रहा है अंदर से और दर्द होने से सांस लेने नहीं सकता है नाम क्या लिखता है अपना मिरपक इधर बैठो दारू बीड़ी सिगरेट पीता है क्या सर जूतू नहीं बोलेगा दोनों पीता है जोर से सांस लो और जोर से ठीक नहीं है सब नहीं पीना है सब ऐसा करो तुम ईटानगर जाओ अपना एक्सरे और ब्लड टेस्ट तो हम इलाज के लिए आरके मिशन ने बोल देगा वहाँ में तुम जाके देखो ये बस्ती में तो तेरा तो नहीं होगा हम यहाँ में कुछ दवाई लिख दे रहे हैं लो ये दवाई और ये आरके मिशन में चेकअप कराना हाँ
होगा सर। ठीक है, और सुनो जितना हो सकता है जल्दी कर लो, बाद में देरी होने से मुश्किल हो जाएगा। हाँ अच्छा, चेकअप करा लो। डॉक्टर क्या बोले आपको? तुम पूछ के क्या करेगा? तुम एक रुपया भी कमाता है क्या साला? हम आपका बीवी है, इतना भी नहीं पूछ सकते क्या आपको? अजिन कहाँ जा रहे हैं? तुम रुको, हम मेरा दोस्त रोरू से ईटानगर जाने के लिए मेडिकल चेकअप के लिए दार लेने जा रहा है। हम भी जाएगा, फिर से पेट दर्द शुरू होने से क्या होगा? आपको अकेला जाने नहीं देगा। अरे मिर्पक आया क्या इतना दिन बाद? कैसे आओ, मैं तो कुछ काम था क्या? दोस्त हमको वो बस्ती का डॉक्टर जो थोड़ा मेडिकल दिखाओ बोला है, इसलिए वो ईटानगर जाना है। अरे ऐसे है क्या? तुम दिन भर दारू पीते रह गया तो ऐसे हो गए? वैसे कितना चाहिए रहे? दोस्त 20,000 होने से होगा, हम जिससे भी वापस कर देंगे आपको। रुकूंगा तो ये लो, तुमको बचपन से पहचानता है बोल के पैसा दे रहे हैं, जल्दी वापस दो। हाँ लेकिन अब अपना ख्याल रखो और जल्दी से तीखो क्या हुआ। जल्दी आएगा, अच्छा से पे तुम बच्चा को अच्छा से देखो। हाँ पैसा लगाओ। ये मेरा बक्सा ट्रेल है, कोई सीखेगा तो कहो। हम तो नहीं सब पैदे, मेरा नहीं है। हाँ अभी पैसा मेरा। अच्छा सिर्फ रुपया ही बच गया मेरा, तो हमको क्या ताश खेलेगा? मंदर तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं? पैसा नहीं होने वाला, क्यों ताश खेलते हैं? त्रिजुत गुलाम जी तो ब्रो आया हमको, दोस्त हमको थोड़ा दार दो ना, कल दे देगा। तुम अभी से यार दस मत किलो, तुम आगे से भी बहुत दार है। हो जाएगा ना, कल दे देगा ना, थोड़ा दो ना। तो हमेशा ऐसे गेजू करते हैं, पैसा नहीं होने वाला, ऐसे हमेशा ताश खेलते हैं क्या? आया आमा दोस्त थोड़ा आप तो पिलाओ क्या यार, इतना हार गया हम, पिलाओ यार। होगा होगा, अपुंग तो पिला देगा, इतना हार दिया तो भाई दो अपुंग पिलाओ। मजा दे। होगा दोस्त लोग, आप लोग भी तो हम लोग भी निशा हो गया, हम बहुत पैसा भी हार गया। हाँ चला जाओ, हम लोग भी निशा हो जाएगा, जाना पड़ेगा भी। अब यहाँ में है ना, आपकी लिए रात भर हम रुके हैं, अब यहाँ में सो रहे हैं। अरे तो ना तो ना तो क्या हुआ है, क्या हुआ है ना यहाँ? जो तो आप रात को पिया था ना, कल रात कहाँ में पिया था? यही क्या बना रहे थे?
तुम थोड़ा पैसा दो तो दोस्तों के साथ खेलने जाएगा। मेरा पास पैसा नहीं है, कल आपको दिया था, वो क्या हो गया? वो तो कब का खत्म हो गया, उसको बोलता ही क्या? अभी मेरा पास बिल्कुल भी नहीं है। दो अभी हमको बिल्कुल भी मत बोलो, मेरा पास पैसा नहीं है। अभी रोरो का दार को भी तैरना है, इसके लिए हम मेरा तसंग को रखा है, उसको भी तैर के दे देना है। हमको दो तसंग को, हम तसंग को बेच के रोरो को पैसा दे देगा। नहीं, आपको हम विश्वास नहीं है, आप फिर दारू और ताश में उड़ा देगा, कल हम खुद उसको देने देंगे। क्या बोलेगा तुम? ऐसे बोलेगा तुम ऐसे बोलेगा? हाँ, ऐसे बोलेगा यार तुम? ऐसे बोलेगा तुम? क्या तुम ऐसे बोलेगा? हाँ, तुम ऐसे बोलेगा? तुम ऐसे बोलेगा? तुम ऐसे बोलेगा यार तुम? तुम इसको चला। अरे भाभी, मिर्पक आ गया क्या? वो तो 4 महीना हो गया इटानगर से आने वाला। अरे इतने दिन हो गए क्या वाला? मेरा पैसा देने का इरादा है कि नहीं है? एक हफ्ता में अभी वापस नहीं करेगा तो मेरा पैसा हम गांव वालों को बता देगा। देखो ऐसे ही क्या, तब तो कहाँ है वो? अभी दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होगा पी के। साला ताश खेलने के लिए पैसा है उसके पास? पैसा लेने समय में तो हम लोग को पूरा याद करेगा, अभी देते समय में कहाँ गायब हो जाते। आ गया ना, हाँ मेरा तसंग बेचा वाला पैसा से तुम रोरू का दार नहीं तेर के अपों और ताश में उड़ा दिया ना? हम दोरू का पैसा कब का दे दिया? हम आज रोरू को मिला था रास्ता में, अपना पैसा वापस मांग रहा था। एक हफ्ता का अंदर अगर नहीं देने से वो गांव बुढ़ा के पास जाएगा बोले। छोड़ो ना, तुम जानते ही क्या। सुनो तो मिर्पक, इतना दिन कहाँ गया था? यपम ले गया था क्या? इटानगर चेकअप के लिए गया था, उल्टा ऑपरेशन करके आ गया। ये सब बात को छोड़ो, कुछ काम है क्या? रोरू से 20,000 रुपया दार लिया था मेडिकल चेकअप के लिए, उल्टा ज्यादा ही खर्चा हो गया ऑपरेशन करके। और कल रोरू बोला है यजुम को एक हफ्ता का अंदर 20,000 नहीं देने से वो गंबरा का साथ केस कर देगा। तो हम क्या कर सकता है? अब मेरा पिताजी का बचपन का दोस्त है ना, इसीलिए ये झमेला से आप ही हमको बचा सकता है। एक तो उपाय है, साथ तो मिथुन देगा, तेरा बेटी को मेरा ताकर के साथ शादी देगा। ऐसे होने से तुती के बाद में ना मदद करेगा। हाँ होगा। फिर तुम आज अपुंग पी के आ गया ना? आज कुछ भी मत बोलो, आज तू बहुत खुशी है दोरू का दार को तेर के, इसलिए पी के आया हम। आज मेरा पिताजी का दोस्त लोता का साथ गया था, लोता साथ में तुम दिया है नूमी और तकर का शादी के लिए, और हम बात पका करके आ गया। ए बरपाल, अरे लोता आप आए है क्या? तुम मालूम है मेरा तकर अलग लड़की ले लिया, तुम मेरा साथ तुम मिथुन को वापस कर दो। हम झूठ नहीं बोलेगा, नोमी का दाम हम कहाँ से देगा? हमको मालूम नहीं है, तेरा नोमी को हमको दे दो, ओ बड़ा हो गया। अरे हम तो नोमी का दाम तकर के लिए काया था। मेरा माइकी मर गया, हम अकेला हो गया, और मेरा बेटा बेटी सब इटानगर चला गया। मेरा साथ में एक टू बेटी है, वो कहाँ कहाँ घूमते रहता है। कल आके नोमी को ले जाओ तब तो, अभी नोमी का माँ भी घर में नहीं है, खेती गया है। होगा, कल नोमी को हम लेके जाएगा। क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों बैठ रहे? लोता आया था, कल नोमी को ले जाएगा बोल के। उसका दाम को तो अब 11 साल पहले कह चुका है, एक ना एक दिन उसको जाना ही था। हाँ वो तो है, लेकिन लोता उसको अपना माइकी बनाएगा बोला है।
क्योंकि तकर दूसरा लड़की ले लिया, नहीं तो वो साथ में तुमको वापस दो बोला है। वो तो आपका पिताजी का उम्र का है। मेरे बेटी को क्यों ऐसे किया? अबू यार क्या हो? नुमी का है? नुमी का है? अरे आप आए क्या बेटी? यजुम नुमी को लेके आओ तो। अब ये लोग कौन है? बेटी ये तुम्हारा पति है आज से। अब हम नहीं देगा यार। पानी देने जा। नुमी क्या हो गया? नहीं सुना क्या? पानी देने जाओ, जा। पानी लेने भेज दे, इतना देर हो गया, कहाँ चला गया? दीदी हम आपको ये बस्ती पे कभी भी नहीं देखे। तुमको पानी लेने भेजा था, खेलने भेजा था? तुम लोग स्वयं नहीं किया, सारी लड़की का दोबारा खेलो, पाप तोड़ेगा। घर चलो, तुम कम गर्मी देखेगा। जय चलो, जय चलो।
चुछ, पूरा साफ करो, पूरा साफ करो। करो ना। हम बहुत थक गया, आज के लिए हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये काम को खत्म नहीं करना, अब हम मेरे को नहीं छोड़ेगा। तेरा मटा कहा मैं, अच्छे से दाना दो। बारिश दे रहा है, जल्दी जा बर्तन धोने जा, इसको छोड़ो जा। ओए क्या वो लड़की को देख रहा है? कौन है? लोता बोलने वाला बुरा नहीं है क्या? हाँ उसका माइकी है ना। अरे ओला है क्या ये? तो मेरा माइकी से भी छोटा है। तो यनम नोमी कहाँ गया? अब वो आज उसको बर्तन धोने भेजा था तो उसका नाम चुम हो गया, इसलिए उसका नहाने भेज दिया। मेरा नोमी औरत बन गया ना। अब वो लड़की बुट ले दो गया, उसको धुने जाएगा थोड़ा। नोमी 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 अब वो नोमी नहाने जाएगा मैं नहीं है तो। तुम बुश्ती में धुनने जाओ, हम उसका पिताजी का घर जाएगा। नूमी आए क्या? नहीं आया। नहीं आया ना। नूमी आए क्या? नूमी नहीं आए।
काम करने जा। नोमी, दोस्त लोग के लिए पानी लेके आओ। हेयरिंग डेट फिक्स करेगा, इसके बाद आपका केस को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सबका बात सुनने के बाद ये कमीशन को लगता है कि नूमी और लोता का जो केस है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का उल्लंघन हुआ है। और कमीशन का ये डिसीजन है कि जो 7 मिथुन का लेन देन हुआ है इस केस में उसको मिरपाक को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये शादी नूमी का मर्जी से नहीं हुआ है और नूमी का दाम का जो बात है उसको वो लोग बाहर जाके या कोई सिविल कोर्ट में भी अप्रोच कर सकता है। लेकिन जहाँ तक नोमी का बात है उसको कमीशन आज से फ्री करता है, वो अपना नया जिंदगी शुरू कर सकता है।